नमस्कार, मैं प्रणव पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर नौशाद आलम जुड़े हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आज कल कुछ दिनों से ज्यादा वायरल फीवर के केसेस काफी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किस तरीके से अभी जो है बढ़ी रहा, कम नहीं रही। तो मौसम जो है बहुत शॉर्ट हो रहा है, मौसम की दिक्कत कर रहा है। दूसरा बीच बीच में बारिश करनी गर्मी और बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास आगर हो रहा है, ये भी एक फैक्टर है। सफाई का ध्यान नहीं रखना, बच्चों को है कि खुली जगह पर रखना है और हवादार जगह पर रखना है, भीड़ भाड़ जगह पर जाने से बचना है। लोग ये मानते हैं वायरस जो है मास्क वायरस के बाद इतना समझा लो, पहले समझ नहीं आता बीमार हो रहा है। बच्चों को सीकर इतना तेज आ रहा है, किसी बच्चे को छुट्टी भी आने लगता और दो तीन बच्चे का भी दो तीन दिन में डेंगू को भी पी रहे हैं, बच्ची थे डेंगू पॉजिटिव भी पर प्लेटलेट में करना अच्छी थी। और सर अभी आपने कहा चमकी बुखार, चमकी बुखार से और कैसे सभी लगातार इधर लेकिन काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सर सबसे पहले चमकी बुखार के सिम्टम्स क्या? देखिए चमकी बुखार के सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि हाल ही में मुझे बुखार हुआ, मुझे पता नहीं है चमकी बुखार है या फिर डेंगू है, तो ऐसे सिचुएशंस में अभी क्या करना होता है? तो हवाई बुखार चलाना है, कपड़ा कम कर देना, किसी भी बच्चा हो या बुढ़ा हो किसी भी आदमी को फीवर है तो पानी से पोछना, हर जगह पर रखना है। बाकी जो डायग्नोसिस है वो तो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, जांच करेंगे डॉक्टर साहब की फीवर करते हैं तो अपने इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या है, डेंगू है मलेरिया है। चमकी का सिम्टम यह है कि उसमें सीजर आने लगते हैं, सीजर क्या है कि आप बच्चा ऊपर कर देगा, हर पर टाइट कर देगा, समझ लेगा तो डिपेंड करता है डायग्नोसिस। और भी सर और एक चीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स बताएं कि आखिरकार क्यों ये चीज़ हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट और सरकारी में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम है, बट लोड इतना है ना, अभी इतना ज़्यादा फीवर है, बच्चे घर में पाँच छः हैं सब बारी बारी से बीमार होते हैं, इतना लोड है, उसका एक लिमिट है। सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी लिमिट है, वो भी नहीं चल रहा है, एक बजे बाद वो भी बंद हो जाता है, बंद जाएंगे प्राइवेट के तरफ से जाएंगे, एक रीजन आपको इसका रीजन नहीं है कि वहाँ दूसरा इलाज हो रहा है यहाँ दूसरा इलाज, बट कोई लिमिट टाइम नहीं, प्राइवेट में काम करने भी जा सकते कहीं भी जा सकते, लेकिन सरकारी का ओ पी डी का लिमिट अब हाई इलेक्ट्रिक वाले और ओ पी डी भेज देते हैं, इमरजेंसी में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर बैठे नहीं बैठे अच्छे, वो आपने नॉर्मली बुखार की दवा देते हैं बता देंगे कि भाई कल ओ पी डी में देना, ये चीज़ें जो है फीवर एक दिन में जा नहीं ना, फीवर पाँच दिन सात दिन लग रहा है, पायलट चाह रहे हैं खत्म, वायरल बुखार खत्म हो जाए, ये दिक्कत है। और सर ऐसे केसेस में क्या माँ पे भी कुछ असर पड़ता है? माँ को है कि थोड़ा साफ सफाई से रखना, बच्चे को और इधर जगह पर माँ को एक ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं रखना जाना है, ये सब रखते हैं। माँ अगर फीवर है, माँ को फीवर है तो बच्चे को भी फीवर आएगा, दूध पिलाती है उसके साथ रहती है तो वायरल तो है सीरो के होते तो बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। साफ सफाई के अलावा भी क्या क्या रीजन हो सकता है? बच्चे से घूम रहे हैं जा रहे हैं, पेरेंट्स क्या करें, पाँच पाँच बच्चे उस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा, या एक जनसंख्या में भी हो थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा, अब कोई खुल के बोलता नहीं है कि जनसंख्या रोक लगा क्या करते नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। पाँच छः बच्चे हैं घर में सबको बढ़िया से केयर नहीं हो पाए, दो तीन बच्चे हैं ठीक है आप करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना हो गया। देखिए बच्चों में दिक्कत यह है जब हाई 100 से ऊपर जाएगा आपको चमकी में बदलेगा, आपको बदल करेगा,
गांव में कितना समझा देते हैं हम लोग कि बुखार हो तो बच्चा ठंड लगेगा उसको कपड़ा यहाँ पे पूछना है गांव में काम करके कपड़ा और लपेटेगा बच्चा तो लपेटेगा तो आगे फिर पड़ेगा पड़ेगा तो आपको छोटी में बदलेगा ये रीजन हम लोग कुछ भी करते हैं डॉक्टर कितना समझाते हैं कि भाई जब बुखार हो तो पानी से पूछना है वो लोग बच्चे को ठंड लग रहा था क्या ये चीज़ है जब भी नॉर्मल घरों में जब फीवर होता है तो हम लोग जितना होता है उतना ज्यादा ढकके रखना प्रेफर करते हैं बढ़िया टेम्परेचर हाई है शरीर गर्म हमको नॉर्मल में लाना है तो नॉर्मल में लाएंगे तो उसको पानी से पहुंचेगा हवा जगह पर रहेंगे तब तो नॉर्मल होगा ना उसको और कपड़े से लपेटेंगे तो हाई टेम्परेचर तो हाई होगा कम हाँ सिंपल से लपेटेंगे तो इसमें जो है कपड़े से ही पहुंचना है अगर फीवर की दवा नहीं मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है पानी से पहुंचिए फीवर उतरेगा और साथ में जैसे खान पान पे कैसे ध्यान रखा जाए खान पान में है खान पान में मेंटेनेंस देना है विटामिन वगैरह देना है फल फ्रूट देना है उसको जो ठीक है साफ सफाई यही सब सारी चीजें हैं बेसिक चीजें जो है बेसिक चीजें बारे में करने लगे तो बच्चे का घूमना एक्चुअली मेन पॉइंट सर ये है कि जैसे टाइफाइड्स वगैरह होता है तो बॉडी के पार्ट्स को भी अटैक कर सकता है टाइफाइड्स में ऐसे चांसेस होते हैं तो क्या चलने का चक्कू बुखार में हो सकता है बच्चे बच्चे को सीजर आएगा तो बच्चे को दिक्कत हो सकता है एम आर आई पर डिपेंड करता है दिक्कत जाते हैं बच्चा चला जाता है सीजर नहीं रुक रहा है तो उस सिचुएशन में देखा जाता है डॉक्टर देखेगा क्या है करेगा सी टी वगैरह भी कराना पड़ता है तो सी टी पर डिपेंड करता है क्या है नहीं है तो सर और एक चीज़ आपने कहा जनसंख्या पे रोक लगाना पड़ेगा ये अपना पर्सनल है मतलब पर्सनल भी हो जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है हर चीज इतना लिमिटेशन जैसे जमीन का है सब्जी उगाना है तो बड़ी सारी बहुत सारी तरह चीजें हैं तो हर चीज संसाधन का लिमिटेशन है तो हर चीज का लिमिटेशन है तो मेरा अपना ओपिनियन की जनसंख्या पे लोगों को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो रहा है पहले देख रहे थे दो बच्चे होते थे तीन बच्चे होते थे सब लोग खुली रहे अब जहाँ गए कंस्ट्रक्शन लाइन चल रहा है तो लिमिटेड लिमिट है हर देव घरी बन जाए खाना पीना खाना से आए इधर तो सर नारा था हम लोग हमारे तो वाला था अब तो दो से भले एक अभी चल रहा है तो सर आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या नारा तो गवर्नमेंट ने दिया है सही है पर लोग का अभी भी अवेयरनेस यूपी में सर जैसा कि अभी रूल चलाया कि अगर बच्चे आपके घर में जा रहा है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो सेम प्रोटोकॉल क्या है यहाँ बिहार में लागू होना चाहिए देखिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है लेकिन ओवरऑल है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए इसलिए है कि एजुकेशन बढ़ेगा तब मिलती है पाँच बहुत सारे हैं बच्चे गाँव में चले गए अभी भी गरीब आदमी है उसको पाँच छः बच्चे हैं सबको एजुकेशन नहीं दे सकता है सही से सर कोई क्रिकेट टिप्स देना चाहते हैं गवर्नमेंट को या फिर किसी के पास भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास भी तो उनको कुछ क्रिकेट टिप्स दीजिए कि कैसे रोक लगाया जाए जनसंख्या कैसे ना बढ़े गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा अभी पर्यावरण भी हो रहा है बहुत तेजी से चल रहा है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रहे गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता कमी है लोग नहीं मान रहे लोग नहीं समझ रहे इस बात ये सारी चीज़ें एजुकेशन से आएगी तो दोनों चीज तगड़ रहे जनसंख्या बढ़ेगी एजुकेशन तो लोगों को नहीं मिलेगा तो दोनों जो जनसंख्या रुकेगी तो एजुकेशन मिलेगी सबको तो बढ़िया से एजुकेशन मिला तो ये अवेयरनेस जब आएगा तो एजुकेशन बढ़ेगी तो एजुकेशन हमारी जो है बढ़ेगी तो मिलेगी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो लेकिन सर आप तो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं तो जनसंख्या बढ़े तो आपको बेनिफिट है तो सर आप ये बात कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सबको दिक्कत है ये ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर का काम नहीं कि बच्चे बीमार ज्यादा पड़े हैं तो ज्यादा मार पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो जो है जो बेसिक चीज है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा तो सर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा तो ये थी हमारी खास बात डॉक्टर नौशाद आलम जी के साथ तो इसी के साथ इजाजत देते हैं नमस्कार धन्यवाद